कहाँ? Have you seat? Give me a file. Thank Please. You, sir. So, Suman, right? Yes, sir. All right, Suman. So, introduce yourself in very brief. Yes, sir. My name is Suman. I am from Haryana. I have completed my graduation from Kurukshetra University. And I have completed my master graduation from Kurukshetra University. And it's the 83rd ranked university in India. Both my graduation and master graduation. And I have completed my BEd from Guru Jambeshwar University. And it is the 33rd ranked university of India. And there are five members in my family. My hobbies are tree plantation and transplantation. That's all. So, why you want to join KVS? सर KVS जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें कोई भी एजुकेशन पॉलिसी जो आती है वो फर्स्टली वहीं अप्लाई होती है एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी तो जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं इनका मतलब जो एक स्टैंडर्ड होता है वो मतलब अलग ही होता है सो कैन यू अपने नाम को सुमन नाम को आप कॉमर्स के साथ जोड़ सकते हैं यस सर कैसे जोड़ेंगे सर जैसे my meaning of my name is flower so I can start a business of flower in the floral market to earn profit तो ये जो business है floral market में मैं अपना मतलब कर सकती हूँ तो सुमन की चल रही है what is your philosophy of teaching sir my philosophy is none dual so what is it सर नन ड्यूअल मीन्स मतलब जो टीचर है वो अपनी आत्मा से स्टूडेंट को पढ़ाए वन स्पिरिट वन सॉल अपना द बेस्ट दे क्लास में बच्चों में पार्शलिटी ना करें सभी को एक इक्वलनेस देके सभी को मतलब टीच करें तो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर आपने कभी ऐसा किया हो या आपने कभी ऐसा फील किया हो या किसी आगे से स्टूडेंट ने आपको बताया हो कि मैम यू आर लाइक दिस कैन यू शेयर मी एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ सर एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ सर जैसे मैं अपना बताती हूँ मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब करी थी मेरी बैचलर मतलब बीएड होती ही तो मैंने किसी प्राइवेट स्कूल सीबीएसई में ज्वाइन किया था तो वहाँ मतलब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी तो उन्होंने मुझे सेकेंड क्लास दी तो सेकेंड क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट्स मुझे दिए गए थे फिर मुझे चेक करने के लिए भी कैसा कराती हैं तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को मतलब इतना अच्छे से टीच किया उनकी 0% डाउट रखी और मैं उन्हें मतलब ऐसे सीटिंग में नहीं बैठाती थी जैसे मैं बैठी हूँ अपने जैसे टेबल के उन्हें पास बैठा लिया अपने चेयर डाल के या खड़ा खड़ा करके एक्टिविटी के थ्रू उन्हें कराती थी तो मेरा वो मतलब परफॉर्मेंस देख के टीचर ने मुझे सीधे 10th क्लास दी थी और 10th में भी मुझे वीक स्टूडेंट्स ही दिए गए थे सो लेट्स कम टू योर सब्जेक्ट Right, sir, please. Which part of our subject you like most? Sir, business studies. Business studies. Yes, sir. Do you know how many forms of business organizations are there? Yes, sir. How many? Sir, 5 forms. Which they are? Sir, first is sole proprietorship firm. Second, hamari cooperative society. And third one is joint Hindu undivided family. And fourth one is partnership. And fifth one is company. Company. Yes, sir. Okay. There is a form of business. I don't know which one it is. But the form of business has two special words. Daya bhag and paya bhag. To which form of business these two words belongs to? Sir, daya bhag. To which form of business they belongs to? Yes, sir. Joint Hindu undivided family. Daya bhag किस क्षेत्र में प्रचलित है? Sir, daya bhag जो है वो जिसमें मेल फीमेल को पार्टनर्स होते हैं ये हिंदू लॉ के होते हैं जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते हैं और इनका एक सक्सेशन एक्ट होता है 1956 जिसके अंडर ये वर्क करते हैं इसमें दो होते हैं दया भागा और मिताक्षरा दया भागा में मेल फीमेल को पार्टनर्स होते हैं और ये जो लॉ है ये सिर्फ हमारे उड़ीसा के कुछ स्टेट्स उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में और हमारे इसमें वेस्ट बंगाल में और असम में फॉलो किया जाता है यूटी से नॉर्थ ईस्ट
पोर्शन yes, ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में भी सिर्फ 3 स्टेट्स में सर, और जो मिताक्षरा है वो सिर्फ मेल को पार्टनर्स पे उसका मतलब फोकस होता है, ये ऑल ओवर इंडिया किया जाता है। सिर्फ ये जो 3 स्टेट्स गया वाके में जो इंक्लूड हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होते, बट जो बाकी जो स्टेट्स है रिमेनिंग वो इंक्लूड होते हैं। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट हैज बीन प्रोफेट बाय टेलर एंड फेयोल? सर इसमें वर्किंग के ऊपर ज्यादा क्या है, जितना हम वर्क करेंगे उतना ही हम सीखेंगे। श्योर? यस सर। व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्क स्पेशलाइजेशन? सर वर्क स्पेशलाइजेशन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्क स्पेशलाइजेशन? सर सर इसमें कोई भी वर्क हो सकता है जो हम साइंटिफिक वे से जो करते हैं, जो हम रेगुलर में करते हैं एक्सपेरिमेंट करके या प्रैक्टिस करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देन अगेन व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द टेलर्स एंड फेयोल थ्योरी? सर जो फेयोल की जो थ्योरी है उसने पूरे मैनेजमेंट पे वर्क किया है, यूनिवर्सलाइजेशन पे जो गाइडलाइंस फॉलो होती हैं वो हेनरी फेयोल की जो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं, बट FW जो टेलर है इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे वर्क किया है जिसके मतलब 4 प्रिंसिपल्स होते हैं बस, बट जब कुछ स्पेशल सिचुएशंस आती हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में जब इसे यूज किया जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, बट जो पूरे होल जो यूनिवर्सिटी में मतलब यूनिवर्सल में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो हेनरी फेयोल के किए जाते हैं। पोस्ट वॉर के बारे में क्या जानते हैं? सर पोस्टकॉप जो है ये इनके फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। क्या मतलब है? सर पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सीओ मींस कॉर्पोरेट करना, एंड आर मींस रिकॉर्डिंग, एंड लास्ट वन बी मींस बजटिंग। जो हर चीज जो मैनेजमेंट में होती है वो इन प्रोसेस के वाइज ही होती है, जो फंक्शंस हैं ये इनके प्रोसेस पे होती है। CEO for not cooperation, it is coordination. Coordination, okay sir. How many types of coordination there are in business organization? Sir, 2. Which one they are? Sir, recalling kar pa rahi, sorry sir. Doesn't matter. Main after you. ये हमारी विडंबना है कि नारी को बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ये कहा जाता है कि वो एक अच्छी बिजनेस में वुमेन नहीं बन सकती, तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? कि मैं जो आपने क्वेश्चंस पूछा इससे मतलब ये कह सकती हूँ कि एक गलत मिथ होता है, मतलब नारी कुछ भी कर सकती है बिजनेस में। आज के टाइम पे मतलब हम देखें तो बिजनेस में नारी इन्वॉल्व है। Can you give me some examples of this? Sir, Naira. Okay. उसमें एक लेडी है जिसने उसको मतलब वो फाउंडर है, वो उसको चला रही है। Right. Any more? And Nita Ambani. All right. And? And आजकल बिजनेस रिलेटेड जो एक शो आता है टीवी पर, देखा है आपने? ये सर आता है बट उसका नाम अभी याद नहीं हो पा रहा है। उसमें काफी ये आते हैं, काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, काफी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें जो हेल्प करते हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स उनके सामने शेयर करते हैं, फिर वो उन्हें इक्विटी डेप्थ के अकॉर्डिंग उन्हें मतलब उनका आइडिया जो उन्हें पसंद आता है वो अपने में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें जो एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है एसेट्स, यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड कैपिटल एसेट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सर जो कैपिटल एसेट होती है उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारी कितनी कैपिटल, कोई एसेट होती है उसमें हम कितनी कैपिटल लगाते हैं उस एसेट को मतलब परचेज करने में, और लिक्विड एसेट्स में सर जो हमारी क्विक एसेट्स होती हैं जिन्हें हम एसिडिक एसेट्स भी बोलते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल सर कैपिटल एसेट का तो सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड लिक्विड एसेट का okay. What is the purpose of audit?
और सर इसका पर्पस ये होता है कि जो भी अकाउंटेंट जो प्रिपरेशन करता है किसी कंपनी के लिए, जैसे वो बैलेंस शीट बना रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, तो एक ऑडिटर का ये काम होता है कि वो उन एरर्स और फ्रॉड्स को चेक करे जो एक अकाउंटेंट ने बनाए हैं, उसका ये वर्क होता है। There is an account, miscellaneous account. Yes, sir. For what purpose the miscellaneous account is there? सर मिसलेनियस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि कुछ अगर किसी अकाउंटेंट से छूट गया हो प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, इसलिए वो मतलब उसको पूरा करने के लिए बनाते हैं। कुछ छोटे मोटे खर्चे जो रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, इसलिए मिसलेनियस अकाउंट बनाया जाता है। इफ देयर इज सम वर्थ इन मिसलेनियस अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड इन अकाउंट? सर सॉरी, सर क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूं। मिसलेनियस अकाउंट में कुछ पैसा बचा रह गया है फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर, 31st of March आज है, जिसे मिसलेनियस अकाउंट में आपके पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? सर उसे मैं अगले साल ओपनिंग कैपिटल के तौर पे यूज करूंगी। मिसलेनियस अमाउंट को? यस सर, क्योंकि वो आप ये बता रहे हो कि वो मतलब रह गया है उसमें, है उसमें है, उसे आगे अगर कहीं यूज करना है तो I don't know. सर अगर उसमें है तो फिर वो सही है, क्योंकि हमने भूला हुआ ही उसमें लिखा है। तो एज ए मिसलेनियस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा, या जो आप कह रहे हैं कि उसे ओपनिंग कैपिटल में ले लेंगे? सर ओपनिंग कैपिटल तो जैसे कि अगर हम भूल गए हैं उसमें, वैसे तो उसमें भूला हुआ ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जैसे भूल गए तो वो अगले साल जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो उसे ओपनिंग कैपिटल के तौर पे हम शो करेंगे। ऑलराइट, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी सर, सो सुमन, हैव यू हर्ड अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर थोड़ा बहुत पता है इसका। सर इसमें जैसे ह्यूमन से रिलेटेड ही सारे वर्क होते हैं, ह्यूमन को एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं वो कहूँ कि आप कॉस्ट पढ़ाइए तो पढ़ा पाएगी? सर कॉस्ट, अच्छा आप एक काम कीजिए, कोई भी अपना एक्सपर्टाइज बताइए जहां से आपको टॉपिक दे सके आपकी डेमो टीचिंग के लिए। सर बिजनेस। बिजनेस, ऑलराइट, तो सर क्या बेहतर होगा टॉपिक देना बिजनेस के लिए? ट्रीटमेंट विद कंटिजेंसी एक्सपेंसेस। फ्यूचर मार्केट पढ़ा सकती हैं आप? फ्यूचर मार्केट भी सर इतना रेडी नहीं है मेरा। तो एक काम कीजिए, चलिए वेरी सिंपल, आप टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़िए। टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, ओके सर, ठीक है, बाय। टाइप्स ऑफ, थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने मार्केट के बारे में सुना है? ओके, क्या क्या सुना है मार्केट के बारे में? अच्छा राहुल आप बताइए बेटा। अच्छा मार्केट बहुत बड़ी जगह होती है, वेरी गुड। एंड रीना यू? ओके, मार्केट में बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि मार्केट होती कितने टाइप की है, पता है? नो मैम, कोई बात नहीं, आज हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ मार्केट ही रहेगा। मार्केट जो है बहुत टाइप की होती है, जिसमें से हम फर्स्ट मार्केट लेते हैं। नेच मार्केट, इसमें मतलब कस्टमर का मतलब एक गोल होता है कि अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं, जैसे स्टार क्रिकेट, एक चैनल का नेम है स्टार क्रिकेट, तो इस नाम से बेटा आप क्या समझें बताओ?
टीना, अच्छा आप बताओ बेटा, स्टार क्रिकेट, हाँ स्पोर्ट्स का चैनल है, तो ये क्या है, एक स्पोर्ट्स का चैनल है, स्पोर्ट्स का चैनल है, बट किस स्पोर्ट्स का चैनल है? स्पोर्ट्स तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, तो इसमें नेम में ही पता चल रहा है क्रिकेट, तो किसका चैनल है ये? क्रिकेट का। स्पोर्ट्स का तो चैनल है ही है, बट क्रिकेट का ये मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, तो जो नेश मार्केट होता है इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू अपने मार्केट को प्रमोट किया जाता है। सो यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय मार्केट स्ट्रक्चर? सर मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट डू मीन बाय मार्केट स्ट्रक्चर? इस टॉपिक को आप कैसे रिलेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से? सर मार्केट स्ट्रक्चर, सर डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर में तो यही हो गया सर, बहुत टाइप्स के होते हैं। काफी जो मतलब प्रोडक्ट्स है, कोई मार्केट लगा लो अलग 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 टाइप्स की जो मार्केट होती हैं, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड उनमें आपस में कंपटीशन होता है, जैसे इसमें ही मैंने स्टार क्रिकेट बताया है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया। इसमें काफी डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोपोली कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन सर इन मार्केट। उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और उसमें मतलब काफी कॉम्पिटिशन लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें, और प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, वैरायटी काफी देखने को मिलती है उसमें। लेकिन मोनोपोली में क्या है, एक सिंगल सेलर होता है, लाइक एग्जाम्पल रेलवे। One example, any more of monopoly? Sir, market. Sir, defense. Defense. Okay. Any more? But defense you cannot treat as a market. Yeah. It's a very specific zone, a reserve zone, I would say. Yes, sir. सर इसमें ये कि जो डिफेंस के जो भी आर्म्स वगैरह होते हैं वो मतलब एक ही है जो मतलब उसके अंदर सारा वर्क होता है, जैसे रेलवे का। It is not a part of market. It's not going to sell anything else. It is not going to operate any trade in market. General people, civilians are not concerned with the defense. The defense. Railway, of course, that's fine. Sir, arms industry ho sakti hai? Yeah. Arms industry ho sakti hai. Sir, arms industry. Any local example? Sir, जो टूल्स हम लेते हैं जो मतलब इनमें आर्म्स में लगाने के लिए, चाहे वो आप ये लगा लो सर, अभी याद नहीं हो पा रहा है। आप खाना खाती है? यस सर। खाना बनाती है? यस सर। सब्जी में क्या डालती है? सर स्पाइसेस, वेजिटेबल और लिक्विड पानी मीन चीज विद पानी और टेस्ट और टाटा का क्या है? सॉल्ट। इट्स अ मोनोपोली, लोकल एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। इट्स अ मोनोपोली, इट्स अ परफेक्ट मोनोपोली। नमक मतलब टाटा। राइट। आप अगर एक बिजनेसमैन के रूप में भारत में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वर्तमान परिदृश्य में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? सर फाइनेंस। ठीक है, और सर रॉ मटेरियल्स एंड लोकेशन, मतलब प्लेस। मेन कौन सी परेशानी भारत में ज्यादा फेस होती है बिजनेसमैन को जब वो बाहर से आते हैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, या भारत का ही कोई व्यक्ति बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहे, कई NRI आते हैं सब हम ये करना चाह रहे हैं, वो एक मेजर कौन सी परेशानी है जिससे उनको दो चार होना पड़ता है और जो विदेश में उनको वहां उसमें आसानी हो जाती है?
सर करेंसी मे बी करेंसी इज नॉट मैटर इन द इंडिया ठीक है मैं मैनेजमेंट की दो बुक्स आपको बता रहा हूं उसमें आप मुझे एक बेस्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल बता दें एक है रामायण और एक है श्रीमद् भगवत गीता इसमें आप क्या देखती हैं मैनेजमेंट के गुण किस तरह से देखती हैं सर बेस्ट तो श्रीमद् भगवत गीता ही मैं बता कह सकती हूँ दोनों में मैं बेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं दोनों अपनी जगह ही सर्वश्रेष्ठ है मैं कह रहा हूँ दोनों में मैनेजमेंट के आप क्या गुण देखती है किस तरह से देखती है मैनेजमेंट Both are best of the best, right? Both are the exceptional, unique, है ना? All adjectives can be formed. Incomparable. दुनिया की कई business schools में इनको पढ़ाया जा रहा है, इनके ऊपर इतना research किया जा रहा है, तो आप उसमें management को कहाँ पाती हैं? किस जगह पे देख पाती हैं कि ये management के उदाहरण हैं या सर्वश्रेष्ठ? Sir, इसमें जो rules हैं, कैसे मतलब जिया जाता है, उसके बारे में जो हमारे rules principles हैं life के In terms of management, sir, I asked you. ये तो एक ethical चीजें हो गई, morality हो गई, भी कैसे जिएंगे या क्या करेंगे? Management कहाँ पाती हैं आप? In terms of management. आप एक management की प्रबंधन की छात्रा होने के नाते अपने vision से कैसे देखेंगे कि ये management का एक best उदाहरण है कि ये जो काम किया यहाँ पे ये बहुत अद्भुत है. Division of work. ठीक है. डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी इनिशिएटिव्स वेरी गुड वर्तमान समय में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है चल रहा है अभी राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे भारतवर्ष से लगभग 1500 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया और बिना किसी परेशानी के और वर्तमान में ये केस स्टडी बन चुका है आप इसमें मैनेजमेंट के किस गुण को देखती हैं किस गुण के तहत ये हो पाया संभव कमांड एंड सेंट्रलाइजेशन decentralization also right. decentralization esprit de corps team spirit bahut acha okay so being a commerce teacher yes, okay sir. suppose if you have to teach elasticity in demand okay so what you will do which type of experiment or which type of practical things you will use to demonstrate the strength? Sir, जो real life में जो examples होते हैं जैसे बच्चे जो regular product use करें necessary things जो use करते हैं उनके examples में ले सकती हूँ और किस type का? Sir, food related, tea, sugar, milk, houses. क्लोथ्स अच्छा मुझे समझाइए कि टोटल कॉस्ट व्हाट इज टोटल कॉस्ट एंड व्हाट इज एवरेज कॉस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सर टोटल कॉस्ट में मतलब पूरा इंटायर हम इंक्लूड कर लेते हैं और व्हाट सर जैसे कोई भी चीज है उसका पूरा टोटल फिर उसको इंक्लूड करते हैं और एवरेज में पर यूनिट पे उसे यूज करते हैं पर यूनिट कॉस्ट पे और टोटल में पूरा इंक्लूड करके उसमें पर यूनिट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट सर सर जितना हमारा प्रोडक्शन या कोई टोटल प्रोडक्ट है उसका हाफ एवरेज अच्छा बिजनेस के अंदर जो है करप्शन को रोकने के लिए हाँ क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं क्या क्या ले सकते हैं आप सर डीमोनेटाइजेशन demonetization how much effective it is do you think so that all the black money has come to india sir rules regulation change karke laws change karke acha vartman mein jo gst ka system aapko dikhai de raha hai yes sir
अगर आपको इसमें कोई एक चीज बदलने के लिए कहा जाए या आपको लगता है कि कोई एक चीज ठीक नहीं है तो आप उसको कौन सी चीज को ठीक करना चाहेंगे जीएसटी के अंदर? सर मुझे इसमें सारा ही ठीक लग रहा है जो किया है, पहले से काफी बेटर है, काफी चेंजमेंट आया, तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं उसमें कुछ चेंजमेंट करूं। तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं आना चाहिए, इससे जनता की परेशानी कम हो जाएगी? सर ये तो नहीं। ऐसा क्यों? सर ये नेसेसरी है जिसके मतलब आज के टाइम में ये चल ही रहा है, इसके बिना तो फिर वो नहीं हो पाएगा सर। नहीं तो हम उसको जीएसटी में ले आएंगे तो कम से कम लोगों को तो एक चीप एंड बेस्ट प्राइस मिल जाएगी ना। अगर 28% भी अगर अपन लेते हैं जीएसटी का जो बड़ा स्लॉट है उसके अंदर भी लेते हैं तो भी वर्तमान में जो टैक्सेस लग रहे हैं पर लीटर के ऊपर वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होकर के काफी नीचे आ जाएंगे। सर लेकिन जो नॉर्मल पीपल्स हैं मीडियम फैमिली है उनके लिए ठीक नहीं हो पाएगा ये। ठीक है। सो लेट्स कम टू योर फीडबैक राइट। देखो आप हमें कॉन्फिडेंट लगे, हम पॉजिटिव पे बात करते हैं पहले। आप कॉन्फिडेंट लगे हमें और हमें नॉलेज भी आपका अच्छा लगा और आपने सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से आपने हैंडल किया है ना, एज फार एज पॉसिबल जितना हो पाए आपने बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया है ना। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, बहुत अच्छा आपने हैंडल किया इससे। आपने थ्रू आउट जो है प्रॉपर मॉड्यूलेशन रखा, प्रॉपर आर्टिकुलेशन रखा आपने थ्रू आउट अपने स्पीकिंग में, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। जो हम बात करें अगर आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे, तो मैंने ये पाया कि जब आप इंट्रो दे रही थी तो अपने अपने कॉलेजेस के आप रैंक बता रही थी। यस सर। जो कि आई डोंट थिंक कि बहुत फिट है ये चीज बताना। ओके सर। बिकॉज़ इट चेंजेस है ना, और फिर ये बता करके फिर आप रिवर्स साइकोलॉजी को आप मतलब क्रिएट कर रही है। ओके। फिर वो अगर आपसे रैंक बताएंगी तो फिर वो भी आपके वो होंगे, सो यू आर क्रिएटिंग अ रिवर्स साइकोलॉजी देयर, सो आई डोंट थिंक यू शुड टेल द रैंक ऑफ द कॉलेज, इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। उसमें भी एक बार बीच में टोकता हूँ। हाँ सर। नो सर। उसमें भी अगर आप फर्स्ट 3 रैंकर है ना तो ठीक है बताने का फायदा है, लेकिन अगर 33 या 53 या 40 उसका कोई मुझे नहीं लगता कोई यूजफुल है ना। देयर इज नो यूज एक्चुअली, इट इज अ मैटर ऑफ पास, वो निकल चुका है। ऑल राइट, एंड दैट्स नॉट योर रैंक, इट्स नॉट योर रैंक। ओके सर। एंड शुरुआत में मैंने देखा कि जब शुरुआत में आप आई तो आई थिंक फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट के आसपास मैंने ये पाया कि आप थोड़ी नर्वस थी शुरुआत में। yes. फिर बाद में मैं पाया कि आप कंफर्ट हुई। तो देखिए क्या है कि कीप इकोनॉमस, एक वर्ड होता है इकोनॉमस, इक्वल रही है ना, इकोनॉमस रही है ना, इक्विलिब्रियम में रही है। okay, ठीक है ना, बाद में अपने आंसर्स बहुत अच्छे से दिया, हमें अच्छा लगा। ठीक है, कभी कभी आप हैंड जो आप यूं करती हैं तो फिर ये बहुत अच्छा नहीं है पॉजिटिव वे है ना, सिंपली आप यहाँ पर ऐसे रख सकती हैं, ये दिस इज नॉट गुड वे जो आप ऐसे रखते हैं। हाँ दिस इज अ परफेक्ट वे राइट। एंड नेक्स्ट थिंग जो हमने देखा कि जब डेमो टीचिंग आपने लिया तो इट वॉज नॉट लाइक पीजीटी टीचर है ना, आप कह रही हैं कि राहुल बताओ है ना, ये करो वो करो, इट सीम्स लाइक पीआरटी राइट। यस सर। मतलब पीजीटी टीचर इज लाइक अ फिलोसोफर, ही इज लाइक अ चैंपियन है ना, जब वो ही जस्ट यू नो ही रूल द रूल्स है ना, वो जब आएगा तो मतलब बिल्कुल वो मतलब क्लास को सेंट्रिक बना लेगा, वो बच्चे खो जाएंगे उसकी बातों पे है ना, ही विल बी वेरी चैंपियन है ना, मतलब उसकी बात ही अलग होती है, जब वो आएगा तो इज लाइक अ फिलोसोफर, अपने हर चीज को इतने अच्छे से रिलेट करेगा कि बच्चे बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। डोंट से लाइक दिस राहुल, आप बताओ ये बताओ। ओके ऑलराइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज आप जो है बोलते हो कभी जैसे कि लगा लो एस्टिमेशन, आप कहते हो कि लगा लो, लगा लीजिए। ओके, शुद्ध हिंदी बोलिए, अल्फाज का फर्क पड़ता है, अल्फाज का ख्याल रखिए। लगा लो नहीं, लगा लें या फिर लगा लीजिए, द मिस स्टैंडर्ड लेवलाइज्ड वर्ड्स ऑन द डिक्शनरी वर्ड्स। ओके सर। नॉट द लोकल, नॉट लगा, मेरे साइड से ये था, बाकी सर आपको देंगे।
Your presence of mind is very good. The way you have given Sir's answer of Gita, that was awesome. Awesome. And the point where you have to work is the basic terminologies that you are missing. You are unable to clarify between the capital assets and liquid assets in a proper way. Okay. Okay. So you go through all the basic terms that were in class 11th and 12th, commerce and all these things. Okay, sir. I really love, sir. I'm with you. जब सर के क्वेश्चंस को इन्होंने जब रामायण गीता पे जब आपने सारे एग्जांपल्स आप देखे थे तो रियली इट वाज लाइक awesome. इट वाज लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी. दैट वाज ट्रेमेंडस. ट्रेमेंडस मतलब आई थिंक अगर इस इंटरव्यू का सबसे कोई प्यारा पार्ट अगर कोई कहे निकालने को तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू. यस नो डाउट. ऑनलीज आर रेयर स्टूडेंट्स हैव सच काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. मतलब बिल्कुल आप उस टाइम पे और इतने सारे पॉइंट्स आपने बोला जिस पॉइंट को हम एक पॉइंट को भी हम लोग काट नहीं सकते जो आपने बोला. इट वाज रियली द यूनिक पॉइंट. ओनली मिसिंग वन थिंग सर विल एग्री. इट वाज द लीडरशिप. डेफिनेटली अ मेन थिंग. या लीडरशिप. लीडरशिप नहीं है तो एट द टाइम मैंने थोड़ा करेज लिया कि मैं काटूं लेकिन नहीं जो रिदम देखा बच्चे का उनकी लेट इट बी. और हम लोग इतने में खुश हैं ना. नहीं बहुत इतने में लोग बहुत खुश हैं. दैट्स रियली वेरी पार्ट. आपने इतना ही बोला है एनफ है ना. आप बहुत लोग इनमें से एक पॉइंट भी नहीं बोल सकते. आपने इतना कुछ बोला बहुत बड़ी बात है ना. ग्रेट. बहुत अच्छे जवाब दिए हैं आपने और निश्चित रूप से आत्मविश्वासी आप लग रही हैं. सर ने कहा शुरुआत में थोड़ी सी होती लेकिन बाद में आपने उसको संभाल लिया. प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ठीक है. प्रश्न क्या होगा और उसका उत्तर क्या देना है वो आपको पता है और इसको कंटिन्यू रखें आप. ठीक है. थैंक यू सर. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सर ऑलरेडी टोल्ड यू. यस अ लिटिल बिट ऑर्डिनरी and fundamental terms you are missing terminology there. You need to work on them although you know them but you are missing somehow. I don't know why. Maybe at that time I feel ki kahin na kahin thodi si overwhelm isko bolte hain. Yes overwhelm. Yes yes yeah. So all is good. No problem. बस आपको आपके सब्जेक्ट का जो है एलिमेंट्री छोटी छोटी चीजें यू नीड टू गो थ्रू. नबडी इज गोइंग टू आस्क यू अ वेरी बिग क्वेश्चन और कोई प्रॉब्लम आपको देने वाली नहीं है. माइंड इट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर हम तैयारी करते हैं बड़ी लंबी चौड़ी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन एग्जाम में क्या आता है जिसको आपने छुआ ही नहीं है. दैट इज बेसिक. सो गो फॉर इट. रेस्ट परफेक्ट. थैंक यू सर. यस मैम. नो डाउट कि आप बहुत अच्छी टीचर बनेंगी और बिजनेस का बहुत ज्यादा नॉलेज भी मैंने देखा है. तो बस मुझे पूछना था मैं बीच में पूछ नहीं पाई कि अगर इनको मौका मिले आपको एक बिजनेस वुमेन बनने का तो कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे. मैम बिजनेस टीचिंग ही प्रोफेशन है. नहीं नॉलेज है कि मार्केटिंग का भी बिजनेस का भी अगर मौका मिलता है तो फिर आप किस तरफ जाना चाहेंगे. कौन सा बिजनेस. टेक्सटाइल. टेक्सटाइल. कोई सुझाव मैम आपके ओर से. मुझे तो सब ठीक ही लगा है. बस वही जो आपने कहा था वहाँ पे डेमो टीचिंग के वो मुझे उसी से मैं लगा राहुल और फिर झुक के उनसे पूछना फिर नो मैम वो आंसर भी खुद ही दे रहा मैम है ना क्योंकि आंसर तो वैसे भी नहीं आएगा पर पीजीटी के हैं तो उस लेवल से हम बस उसको जो आप पढ़ाना शुरू कर रहे हो उसी से थोड़ा पीछे से लेके और उसी को इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि वो अपने आप बच्चा वहां तक पहुंचे जहाँ आप ले जाना. टीच लाइक अ चैंपियन. ओके All right, sir. All the best. Thank you, sir.